अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। घर के बाहर सब जगह उसने वो बोर्ड काहे लगा दिया है? रंजू सिलाई सेंटर। तू हमने तुम्हारी दूसरी बीवी के लिए किया। हमको तो लगता है ना कि रोंजू ना लोलिता निवास का बोर्ड उतार कर ना अपना रोंजू निवास का बोर्ड लगा देगा। हाँ, ये बोर्ड सिलाई सेंटर की वजह से लगा है ना, हम सिलाई सेंटर ही नहीं लेने देंगे। अरे ये बिजली को क्या हुआ? हम देखे आते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? कौन है? हम बिजली विभाग से, हमने आपका कनेक्शन काट दिया। अगर बिजली नहीं होगी तो हम टाइम पे डिलीवरी कैसे देंगे? हमें लगता है आपके यहाँ बिजली की समस्या है, इसका सीधा असर आपके काम पर पड़ेगा। पहले आप इस समस्या को दूर कीजिए, उसके बाद ही हम आपको ऑर्डर दे पाएंगे। मैडम जी, काम हो गया। थैंक यू। बुनिया, ये लो, हमारी मैडम जी की तरफ से बख्शीश। शुक्रिया मैडम जी। रंजू ने हमारे बंगले में सिलाई सेंटर का बोर्ड लगाया तो हमने बिजली विभाग में एप्लीकेशन दे दी। अब बिजली नहीं होगी तो सिलाई मशीन कैसे चलेगी, और सिलाई मशीन नहीं चलेगी तो सिलाई सेंटर कैसे चलेगा? सिलाई सेंटर का बोर्ड देखे तो माँ बेटी के मन में बवाल मच गया। सौ बार बहुत अच्छा लगा हमको। दादी, अब ये बोर्ड देख के ना कस्टमर सीधे माँ के सिलाई सेंटर पहुँच जाएंगे, इससे माँ का बिजनेस भी बढ़ जाएगा। आपका ये एक तीर से दो शिकार करने वाला प्लान ना कमाल का था। ये बात तो है। दादी, अब हमारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी ना? जी हाँ, हम बता रहे हैं ना, ललिता निवास के पीछे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे लाइट ही काट दिया और हमका कोई नोटिस भी नहीं मिला। नहीं जी, हमने कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। नहीं नहीं, पैसा भी पूरा भरा है। आप हमारी मदद करिए ना, हमारा पूरा काम रुका पड़ा है जी। भौरिया, बिजली काट दी? जी अम्मा जी, वो लोग कह रहे हैं कि बिजनेस के लिए अलग मीटर लगाना है। रोशनी नहीं थी इसलिए सिलाई सेंटर आज ज्यादा जल्दी बढ़ाना पड़ा। पक्का होगा? आप परेशान ना होइए अम्मा जी, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तो तुम्हारा नेटवर्क गड़बड़ है यहाँ पे, कब से नंबर ट्रैक कर रहे हैं? अरे अरे वाह भांजे, समोसा जलेबी अकेले ही बटवाओगे या फिर इस प्यारे से मामा को भी खिलाओगे? हाँ से शु, मीठा हो जा पहले। वाह स्वादिष्ट, मजा आ गया। अरे बैठी बैठी ऑफिस बैठी, अरे तुम्हारा ही ऑफिस है, बैठो। वाह, वाह भाई वाह, मजा आ गया। वैसे भांजे, इतिहास गवाह है, जो दोस्ती समोसा जलेबी से शुरू होती है वो काफी लंबा सफर तय करती है। हाँ, याद रखना मेरी बात। भांजे, एक बात कहें, पते की बात, तुम दोनों का जोड़ी जिला ऊपर रहेगा। हाँ कैसी बातें कर रहे हैं आप मामा जी? शालू हमारे साथ यहाँ से काम करती है, और वैसे आप ये सब बातें करने आए हैं? नहीं, हम तो तुम्हारा प्रोग्रेस देखने के लिए आए थे। शायद तुम भूल रहे हो, इस बिल्डर से तुम्हें हम ही मनवाए थे। ठीक है, तो हमारे काम की प्रोग्रेस रिपोर्ट आप बिल्डर से पूछ लीजिएगा, और इत्मीनान रखिए आपकी आपका नाम हम मिट्टी में मिलने नहीं देंगे। वैसे हमारा यहाँ काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। भांजे, तुम्हारे काबिलियत में कोई संदेह नहीं हमें। हाँ, लेकिन कहा है ना, तुम वो हाँ इमोशनल ज्यादा होते हो, वो प्रॉब्लम है तुम्हारा। चलो बेटिया,
वो कहा है ना, हमारे जो भांजा है ना भांजा, ये उल्टा खोपड़ी वाला आदमी है। अब देखो तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा और दूसरी लड़की के पास देखने को तैयार नहीं है। 200 से ज्यादा लड़की का फोटो दिखा चुके हम इसको। ये ब्रह्मचारी टस से मस नहीं हुआ, बजरंग बली के पास है। वो कहा है ना, हर माँ बाप का सपना होता है घर में बहुरिया है, परिवार आगे बढ़े, आंगन में पोती पोता खेले है, पर ये महाशय समझते ही नहीं। अब शायद तुम समझाओ तो मान जाए है भोलेनाथ की कृपा से। लो ये इकलौती जलेबी रह गई है। तुम लोगों से बात करते करते पता ही नहीं चला कब कब खत्म हुआ। मैं भी कितनी बातें करता रहता हूँ। हाँ अब हम चलते हैं। मांझे हम तुम्हारे साइड पर आते रहे, बस एक करना, जब हम आए तो समोसा जलेबी मंगवा दिया करो। का समझे? और बिटिया तुम क्या समझी है? याद है ना जो हमने बोला है, तनिक समझाओ इसे। हाँ जय भोलेनाथ। फिर परी ने उस लालची राजा को वरदान दिया कि वो जिस भी चीज को हाथ लगाएगा ना वो सोने का बन जाएगा। फिर क्या था, राजन ने इतनी चीजों को हाथ लगाया, जो चीज को हाथ लगाता वो सोने की बन जाती। एक दिन उसने गलती से ना प्यार से अपनी ही बेटी को हाथ लगा दिया। फिर क्या हुआ माँ? फिर कहा होगा बिटिया, उसकी अपनी बेटी सोने की बन गई। राजा खूब रोया, बहुत तड़पा। फिर उसे एहसास हुआ कि लालच करना बुरी बात होती है। और राजा को भी इस बात का एहसास हुआ कि सोने चांदी से ज्यादा जरूरी होता है अपनों का साथ। माँ कल आप बिजली के बिना सेंटर में काम कैसे करेंगी? मुस्कान हमें लगता है किसी ने जानबूझकर बिजली विभाग में हमारी शिकायत की। और ये काम किसका है ये बात भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। दीदी आप ठीक कह रही हो, ये ना उन लोगों की नई चाल है हमें परेशान करने के लिए। सही कह रहे हो तुम लोग, उन्होंने सिलाई सेंटर का बोर्ड लगाने का बदला लेने के लिए बिजली कटवा दी। दादी हमें ना ऐसे किसी पर भी बिना किसी सबूत के इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। और हाँ रही बात परमिशन लेने की, तो कल वहाँ जाकर हमें कोशिश करनी होगी। जो भी करना है हमको जल्दी करना है, अब बिजली के बिना काम कैसे चलेगा। अच्छा चलो ठीक है, बिजली के बिना हम मशीनें चला लेंगे पैर से, लेकिन कपड़ा सीने के लिए तो रोशनी चाहिए ना। तुम परेशान ना हो बहरिया, हम कल सुबह गुडवा से बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा जी हमने आपको पहले भी कहा था, हर छोटी बड़ी बात के लिए हमें उनके ऊपर निर्भर नहीं होना है। अरे जब उनके साथ नहीं रहते थे तब भी तो सारा काम अपने आप खुद ही करते थे ना, अब भी कर लेंगे। वैसे हमने बिजली विभाग में फोन किया था, फोन पर तो बात नहीं बनी है, लेकिन कल हम खुद ही जाएंगे ना, देखते हैं क्या कहते हैं। और बाबा गरीबनाथ की दया हो तो सब ठीक ही हो जाएगा, आप परेशान ना हो। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले वही करेंगे जैसा हम कहेंगे। अब रंजू और उसकी बेटियां चाहे कितना भी जोर लगा ले, उनके सेंटर में उजाला कभी नहीं होगा। अब तुम दोनों इस बात का पूरा ख्याल रखना, किसी भी कीमत पर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए। ए? Don't worry mom, हम पूरा ध्यान रखेंगे। वैसे आजकल हम उस पहलवान बुलबुलिया पे नजर रख रहे हैं, क्योंकि हमारा अगला टारगेट वही है। वैसे तुम लोग ने पता किया वो आजकल कर क्या रही है? मॉम वो आजकल स्कूल के बच्चों को ना पहलवानी के दांव पे सिखा रही है, और इस काम के लिए उसको थोड़ा बहुत पैसे भी मिल रहे हैं। एक्चुअली मॉम शालू रंजू सब के सब काम पे लगे हुए, अगर इनको तोड़ना है ना तो इनकी सोर्स ऑफ इनकम को तोड़नी होगी। सबसे पहले उस बुलबुलिया को टारगेट करते हैं। सबसे पहले ऐसे बच्चे को तैयार करो जो उसके अंडर ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हो जाए,
और वो हमारे इशारे पे काम भी करे। बहुत शौक है ना उसे धूबी पछाड़ देने का। इस बार हम करेंगे उसके चारों खाने। बुनिया, अरे ओ बुनिया, हमको सुबह का तीसरा चाय नहीं पिलाएगा क्या? क्या चाहता है तू कि हम इस बुढ़ापे में खुद अपना हाथ से चाय बनाए? और इस उम्र में जो अपना हाथ से खुद चाय बनाकर पीता है ना, ये उसका पिछला जन्म का समस्त कुकर्मों का फल होता है। ओ शैतान की नानी, हम अपनी चाय खुद से इसलिए बनाए हैं क्योंकि हमरे हाथ पे सही सलामत है, और इसको कुकर्मों का फल नहीं, इसको भगवान का आशीर्वाद कहते हैं। और जो बेटी के घर के बैठ के रोटी तोड़ता है ना, वो कुकर्मों का फल कहते हैं। हमने अपने हाथ से चाय बनाई है तो उसमें क्या बुराई है? चार बातें जब तक तुम सुन नहीं लेती तब तक तुमको तो खाना ही नहीं हजम होता है। अम्मा जी शांत हो जाइए, मुझे बोल देते, मैं चाय बना देती आपके लिए। और आप खड़े क्यों, बैठ जाइए ना, आप ही का घर है। मैं बुनिया से बोल के बिस्किट और नमकीन भी मंगा देती हूँ। बुनिया, इसकी कोनो जरूरत नहीं है, हमें इतना जोर है कि हम अपनी चाय खुद ही बना लेंगे और जो चाहेंगे वो खुद ही ले लेंगे। मम्मी, ये बार बार क्यों ततैया के छत्ते में हाथ डालती हो? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो अम्मा जी हमारे पाले में कमी लेंगे। लाली, हमारा बात नोट कर लो, इना तीखा मिर्चा है ये बुरी, ये तुम्हारा पाले में कभी नहीं आएगा। इसका दिल में ना रोनजोन उसका बेटी लोग ही रहेगा, समझा? मम्मी आप ठीक कह रही है, अम्मा जी को अपने पाले में लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप भी जानती है ना आपकी लाली को आसान काम करने की आदत नहीं। आप देख के जाइए इस पत्थर को हम कैसे पिघलाते हैं। बिजली के बिना तो सिलाई सेंटर का काम ही नहीं हो पाएगा। आई होप कि माँ को कोई सलूशन मिल गया होगा। माँ, माँ, सालू, बिजली विभाग वाले कह रहे हैं कि हमें एक मसल कनेक्शन नहीं मिल सकता है, और अगर कनेक्शन नहीं मिला, बिजली नहीं रही तो। माँ, माँ सुनिए, आप परेशान मत होइए, एक काम कीजिए, आप घर चले जाइए, हम खुद जाकर देखते हैं वहाँ पर। लेकिन सालू। हाँ, हमने कहा ना कि हम खुद जाकर देखते हैं, कोई ना कोई सलूशन निकल आएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है। क्या हुआ, सब ठीक? नहीं कुछ खास। सालू जी, हमने बचपन में सुना था अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको पाप लगता है। सुबह से देख रहे हैं हम आपको, बहुत परेशान लग रहे हैं। बताइए हमें, क्या पता हम आपकी मदद कर सकें। भले ही ये विशेष हमारे साथ अच्छा बिहेव करता है, लेकिन हम इसे अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता सकते, क्योंकि अभी भी हम श्योर नहीं हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स के पीछे इसका हाथ है भी या नहीं। शालू जी, आप हमें अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन का हिस्सा समझ, यकीन कर सकती हैं आप हम। हमारे कहने का मतलब यह है कि आप और हम यहाँ
एक ही जगह पे काम करते हैं ना, तो अगर आप परेशान हैं तो उसका असर काम पे पड़ सकता है जो अच्छा नहीं है। बस इसीलिए पूछ रहे थे हम। पूरा प्रोफेशनल है सब हमारा। जल्दी बैठिए, आइए। ओ, अब बैठिए। जय भोलेनाथ। आप इत्मीनान रखिए शालू जी, हम इमरजेंसी ब्रेक नहीं दे पाएंगे, आपको झटका नहीं लगेगा। अब बैठिए, हमें लेट हो रहा है। एक सेकेंड ना। बैठिए। अरे बाप रे बाप, हमारा भांजा तो प्यार में बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रहा है। कल जलेबी खिलाया और आज सीधा बाइक पे लेके फुर्र है। महादेव, इस गाड़ी को तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। जय भोलेनाथ। मॉम, आपने जैसा कहा ना, हमने ठीक वैसा ही किया। अब उस पहलवान की मुसीबत है ना बढ़ने वाली है। मॉम, अब से आपका कोई भी प्लान है ना फेल नहीं होगा। अब हमारा अगला टारगेट है ना वो पहलवान ही है। वेरी गुड। और वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाला काम? वो काम भी हो गया मॉम। उन लोगों ने रंजू को खाली हाथी वापस भेज दिया। अब किसी भी कीमत पर उसके सिलाई सेंटर में रोशनी नहीं होगी। I'm good. अरे भाई, गार्ड इसका सन चल रहा है। हमें नहीं पता था कि संस्कार और शिक्षा के साथ तुमने इन सबको चोरी की भी ट्रेनिंग दी है। सब क्या हो रहा है? इस लड़की ने हमारे कमरे से कंगन चोरी किए, पूछे इससे। अरे कुछ देख। अरे क्या बात है, ये गंभीर क्या हो गए? कुछ नहीं मिश्रा जी, हम तो बस। रीता जी, आप तो हमारा ख्याल ही नहीं रख रही हैं। बाबू, अरे भाई, कमरे का एसी नहीं चल रहा है। आपको तो पता है होली के बाद बिहार में कितनी गर्मी हो जाती है, ऊपर से एसी खराब। अच्छा, वो रूम का एसी नहीं चल रहा है,
आप यहाँ बैठ के ना सुना बाबू, यहाँ अच्छा ऐसी चल रहा है। अरे ललिता जी, आप जल्दी से मैकेनिक को फोन कीजिए। अरे हमने आज सोचा था कि हम घर में बैठ के आराम करेंगे, लेकिन ये एसी ने नाटक शुरू कर दिया। हम अभी फोन करते हैं, आप बैठिए तो सही। फोन कीजिए आप। हाँ। दीदी क्या आप एसी की? हमें नहीं पता था कि संस्कार और शिक्षा के साथ तुमने इन सबको चोरी की भी ट्रेनिंग दी है। सब क्या हो रहा है? इस लड़की ने हमारे कमरे से कंगन चोरी किए, पूछिए इससे। अच्छा हुआ इस चमक चलो का ना एसी खराब हो गया, अब इन्हें बिजली की अहमियत पता चलेगी। कहाँ बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं दादी। दादी वो आप कहती थी ना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, ठीक वैसे ही कल जैसे उन लोगों ने हमारी बिजली काटी थी, आज आपके बेटे के कमरे की ना एसी खराब हो गई है। ये तो अच्छा हुआ, और कहीं तुम दोनों का कारनामा तो नहीं है ये? काश दादी ये कारनामा हमने किया होता, पर दादी इसमें ना हम दोनों का हाथ नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम लोग यहाँ बैठो, हम बाहर तमाशा देख के आते हैं, तुम लोग यहीं बैठो। दीदी आप तो हमारे घर के इंजीनियर हो ना, तो फिर आपको एसी भी बनाना आता होगा। हाँ एसी की छोटी मोटी गड़बड़ हम ठीक कर सकते हैं। क्या मतलब? हम उनका एसी क्यों ठीक करेंगे? आप जल्द से जल्द किसी को भेजिए, हमें एसी रिप्लेस करवाना है। अरे का हुआ गुडुआ, तुम्हारे कमरे के भी बिजली कट गया का? नहीं अम्मा जी, हमारी बिजली नहीं कटी है, वो एसी खराब हो गया है। हाँ हाँ हमारा भी मतलब वही है, पता नहीं का हो रहा है इस घर में। अब देखो कल अचानक से रंजू के सिलाई सेंटर की बिजली काट दी गई और आज तुम्हारे कमरे का एसी खराब हो गया। हे भगवान, ये राजमाता कहीं गुड्डू जी को ये ना बता दे कि सिलाई सेंटर की बिजली हमने कटवाई थी। आज इस रंजू की सच्चाई सबके सामने आके रहेगी। मुस्कान, अरे छोड़ दो। हमें नहीं पता था कि संस्कार और शिक्षा के साथ तुमने इन सबको चोरी की भी ट्रेनिंग दी। तुम्हारी ये बेटी हमारे कमरे में चोरी करने आई और हमने उसके रंगे हाथों पकड़ा है। ये सब क्या हो रहा है? इस लड़की ने हमारे कमरे से कंगन चोरी किए, पूछिए इससे। आज इस रंजू की सच्चाई सबके सामने आके रहेगी। मुस्कान, अरे छोड़ दो। हमें नहीं पता था कि संस्कार और शिक्षा के साथ तुमने इन सबको चोरी की भी ट्रेनिंग दी। तुम्हारी ये बेटी हमारे कमरे में चोरी करने आई और हमने उसके रंगे हाथों पकड़ा है। ये सब क्या हो रहा है? इस लड़की ने हमारे कमरे से कंगन चोरी किए, पूछिए इससे।